मूवी की कहानी शुरू होती है एक मीटियोर से जो कि अर्थ की तरफ बढ़ रहा था। एरिजोना के डेजर्ट में वेन ग्रे नाम का एक ट्रेनी अपने फायर फाइटर एग्जाम की प्रैक्टिस कर रहा था जो कि अगले दिन ही होने वाला था, और ठीक उसी जगह मीटियोर क्रैश होता है जिससे वेन बाल बाल बन जाता है। वो मीटियोर उस जगह होल करके सीधा 15 फीट नीचे एक केव में चला जाता है। अगले दिन लोकल यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर आयरा केन एंड जियोलॉजिस्ट हैरी ब्लॉक इस मीटियोर का इन्वेस्टिगेशन करने आते हैं, जो कि अच्छे दोस्त भी होते हैं। वो दोनों उस मीटियोर के पास जाके उसका सैंपल लेने लगते हैं। उस मीटियोर से एक अजीब लिक्विड भी निकल रहा था और ये उसका भी सैंपल ले लेते हैं। अब आयरा केन अपने लैब में यह डिस्कवर करता है कि इस लिक्विड में एलियन ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है जो सिंगल सेल नाइट्रोजन बेस्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं और समय के साथ तेजी से मल्टीप्लाई भी हो रहे थे। वो ये बात हैरी को भी बताता है। जब हैरी ये देखता है तब तक ये और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बन चुके थे। केन के लिए ये बात बहुत शॉकिंग थी। केन कहता है कि करोड़ों साल में होने वाली प्रोसेस या इवोल्यूशन सिर्फ कुछ ही घंटों में हो गया था इस लिक्विड में, और ये बहुत ही बड़ी डिस्कवरी थी। दूसरी तरफ बेन अपने फायर फाइटर टेस्ट में फेल हो जाता है। अगले दिन आयरा और हैरी साइंस क्लास के अपने स्टूडेंट्स को मीटियोर साइट पर ले जाते हैं सर्वे के लिए। जब उस केव में एंटर करते हैं तो मीटियोर के चारों ओर एलियन काई और मशरूम उग चुके थे, साथ ही उन्हें जमीन पर कई सारे एलियन केचुए भी मिलते हैं। आयरा जैसे ही उनमें से एक केचुए को उठाता है वो मर जाता है। अब मैं आपको इवोल्यूशन को सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। इवोल्यूशन का मीनिंग है टाइम के साथ होने वाला चेंज या डेवलपमेंट जो हर लिविंग थिंग में होता है सर्वाइवल के लिए। लेकिन अर्थ पर यह चेंज मिलियन ऑफ ईयर्स में होता है, और यही एवोल्यूशन इन एलियंस में सिर्फ कुछ ही घंटों में हो रहा था। एक ही दिन में यहाँ एलियन केचुए इवॉल्व हो चुके थे। इस मीटियोर के आसपास एक अलग एनवायरनमेंट भी इवॉल्व हो चुका था क्योंकि हमारा एटमॉस्फेयर इन एलियंस के लिए सूटेबल नहीं था, इसीलिए जैसे ही वर्म को उसके एटमॉस्फेयर से ऊपर लाया जाता है वो मर जाता है। अब आयरा हैरी से एक वर्म को जार में उसके एटमॉस्फेयर के साथ डालने को बोलता है और केव से बाहर आ जाते हैं। देखते हैं कि ये केचुए स्प्लिट हो रहे थे। अब इस जार को लेकर वो अपनी लैब में जाते हैं और हैरी ये सब गवर्नमेंट को बताने को बोलता है, लेकिन आयरा ये कहकर मना कर देता है कि यह उनकी डिस्कवरी है और वो उनकी डिस्कवरी चुरा लेंगे। इन्हें और रिसर्च करके सारे रिपोर्ट्स और डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने होंगे। अगले दिन जब वो साइट पे जाते हैं तो देखते हैं कि वो एरिया आर्मी ने सील कर दिया था। आयरा और हैरी वहाँ के जनरल रसल गुडमैन के पास जाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि आयरा पहले आर्मी रिसर्च में काम करता था और उसे वहाँ से निकाल दिया गया था, और क्योंकि ये लोग आयरा के कंप्यूटर को टेप कर रहे थे वहाँ से इन्हें इस मीटियोर का पता चलता है और ये साइट अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। डॉक्टर एलिसन रेड कहती है कि उन्हें अब तक की सबसे बड़ी डिस्कवरी को छुपाना नहीं चाहिए था। आयरा और हैरी कहते हैं कि ये खोज सबसे पहले हमने की है और हमें इसका क्रेडिट चाहिए, जिस पर जनरल बुडमैन साफ मना कर देता है और दोनों को वहाँ से भगा देता है। दोनों अपने हक के लिए कोर्ट में जाते हैं, लेकिन यहाँ ये रिवील होता है कि आयरा जब आर्मी रिसर्च में था उसने एक वैक्सीन बनाई थी जिससे सोल्जर्स को काफ़ी साइड इफेक्ट्स हुए थे और इसीलिए उसे निकाल दिया गया था, और वो केस हार जाते हैं। लैब में जाके इन्हें पता चलता है कि उनके सारे सैंपल्स डाटा और रिसर्च भी चोरी हो चुके हैं। ये काम गुडमैन ने ही करवाया था, इससे ये दोनों भी आर्मी बेस में चोरी करने घुस जाते हैं। जैसे ही वो केव के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ एक जंगल बन चुका है जिसमें कई तरह के एलियन इंसेक्ट और एलियन एनिमल्स घूम रहे थे। इसका मतलब वो केचुए से इतनी जल्दी एनिमल्स में भी इवोल्व हो चुके थे। 3 हफ्तों में यहाँ इतना इवोल्यूशन हो चुका था। इससे पहले कि ये कोई सैंपल लेते, डॉक्टर एलिसन इन दोनों की बातें सुन के इनको पहचान जाती है। एक एलियन मच्छर हैरी का सूट काट के उसके मुँह के अंदर चला जाता है। अब यह मच्छर उसकी स्किन के अंदर घूम रहा होता है जिसे वहाँ का डॉक्टर हैरी के होल से बाहर निकाल लेता है। एलिसन को इनकी लैब के चोरी के बारे में भी कुछ पता नहीं था, और क्योंकि आयरा और एलिसन पहले अच्छे दोस्त थे वो इन्हें अरेस्ट नहीं करवाती। जब वो वापस कॉलेज जाते हैं तो इन्हें वेन मिलता है जो एक अजीब सा एलियन क्रोकोडाइल लेकर आया था। वो बताता है कि जिस क्लब में वो जॉब कर रहा था वहाँ के ओनर को ये एलियन ने मार दिया और ये एलियन क्रोकोडाइल उसे वहीं से कुछ दूर मरा हुआ मिला था। आयरा एलिसन के पास जाकर ये सब बताता है। वो कहता है हमें इन्हें खत्म करना होगा इससे पहले कि ये और ज़्यादा खतरनाक हो। एलिसन कहती है कि सब कुछ उनके कंट्रोल में है और वो ये हैंडल कर सकते हैं। अब ये तीनों एक जगह और जाते हैं जहाँ पर इन्हें एक अजीब एलियन डॉग मरा हुआ मिलता है, और उसी घर के पीछे बहुत सारे ड्रैगन जैसे एलियन भी मिलते हैं जो कि मर चुके थे। इस पर हैरी कहता है कि शहर के नीचे जितनी भी केव्स और माइंस है वो आपस में कनेक्टेड है, और वो मीटियोर वाली केव भी इनसे कनेक्टेड है, इसीलिए ये सारे एलियन अलग अलग जगह से निकल रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये हमारे एटमॉस्फेयर में सांस नहीं ले सकते, ये केव से बाहर निकलते ही मारे जाते हैं। तभी वहाँ पर एक एलियन ड्रैगन एक अंडा उगल के मर जाता है। उस अंडे से एक वैसा ही ड्रैगन निकलता है
और चूंकि वो इतना इवॉल्व था कि इस एटमॉस्फेयर में सांस ले सकता था, वो वहाँ से उड़ जाता है और ये तीनों उसका पीछा करते हैं। वो एलियन ड्रैगन एक मॉल में जाकर क्रेश होता है और लोगों पर हमला करने लगता है और ये तीनों उसको शॉटगन से मार देते हैं। अब ये सारी बातें न्यूज़ में फैल चुकी थी और सारे रिपोर्टर्स एरिजोना के गवर्नर से इन मॉन्स्टर के बारे में जवाब मांग रहे थे। गवर्नर उसी मिलिट्री बेस में जा पहुंचते हैं और जनरल वुडमैन से पूछते हैं कि ये मॉन्स्टर पूरे शहर में कैसे फैल गए। एलिसन बताती है ये तेजी से बढ़ रहे हैं और सिर्फ 2 महीनों में ये एलियन पूरे यूनाइटेड स्टेट में फैल जाएंगे। तभी वहाँ पे आयरा, हैरी और बेन भी आ जाते हैं और वुडमैन सारा इल्ज़ाम उन पर डाल देता है कि इन लोगों ने सिक्योरिटी तोड़ दी जिससे एलियन बाहर चले गए। गवर्नर कहते हैं मुझे बस सॉल्यूशन चाहिए। वुडमैन सारे केम में ब्लास्ट करके सारे एलियंस को जलाने का बोलता है। तभी उन पर मंकी जैसे दिखने वाले एलियंस अटैक कर देते हैं। एक एलियन मंकी गवर्नर पे भी अटैक करता है लेकिन बेन उसे शूट कर देता है। अब गवर्नर ये सब देखकर बहुत डर जाता है और वुडमैन को फुल सपोर्ट दे देता है इन्हें जलाने के लिए। वुडमैन उन तीनों को वहाँ से जाने को कहता है। एलिसन भी उनके साथ जाती है। वो साथ में आयरा और हैरी के चोरी किए हुए सैंपल और डाटा भी लाई थी। अब अपनी लैब में आयरा उसी लिक्विड सैंपल को देखता है और सोचता है कि अभी तक ये क्यों नहीं बदला। तभी हैरी गलती से जलती हुई मैच को उस लिक्विड पे फेंक देता है जिससे वो अपने साइज का 100 गुना बढ़ जाता है। अब आयरा को इनके इवोल्यूशन का कारण समझ आ जाता है जो कि हीट होती है। वो कहता है कि जब तक मीटियर स्पेस में था तब तक उसमें कोई हीट नहीं थी। जैसे ही अर्थ के एटमोसफेयर में एंटर किया और एक्सट्रीम हीट से एलियन डीएनए ट्रिगर हो गया या एक्टिवेट हो गया और तभी से इनका इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। क्योंकि यह लिक्विड अभी तक फ्रीजर में था यह इवोल्व नहीं हुआ। वो समझ जाते हैं कि हीट इन एलियन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगी। एलिसन ये सब बताने के लिए वुडमैन को कॉल करती है पर वो उसका कॉल इग्नोर कर देता है। आयरा पीरियोडिक टेबल देखकर अंदाजा लगाता है कि जैसे कार्बन बेस्ड लाइफ फॉर्म यानी हमारे लिए आर्सेनिक जहर होता है वैसे ही इन एलियंस के लिए सेलेनियम जहर का काम करेगा। आयरा के ही 2 स्टूडेंट्स डेक एंड डेनी बताते हैं कि हेड एंड शोल्डर शैम्पू में सेलेनियम होता है। अब वेन एक फायर ट्रक की जुगाड़ करता है जिसमें हेड एंड शोल्डर शैम्पू से फुल भर देते हैं और केप की तरफ चल देते हैं। जैसे ही ये लोग केप में एंटर करते हैं हेड एंड शोल्डर शैम्पू पम्प करने के लिए, उससे पहले गुडमैन ब्लास्ट करवा देता है जिससे ठीक वैसा ही होता है जैसे हमने सोचा था। धरती से एक बहुत ही जायंट एलियन निकलता है जो कि डिवाइड होने के लिए भी रेडी हो रहा था। इन्हें इसे डिवाइड होने से पहले ही खत्म करना होगा। वो फायर ट्रक लेकर जायंट एलियन के नीचे जाते हैं और एक होल के पास ट्रक रोक देते हैं और ट्रक की लेडर सुपर करके आयरा और हैरी चढ़ जाते हैं। अब वो शैम्पू को जायंट एलियन के अंदर पंप करना शुरू कर देते हैं। कुछ देर बाद उसमें हलचल होने लगती है। एलिसन ट्रक को जायंट से दूर ले जाती है और वो पूरा एलियन फट जाता है। गवर्नर इन सभी को पूरी मीडिया के सामने धन्यवाद देता है और उन्हें वहाँ का हीरोज भी बताता है। वेन को फायर फाइटर चीफ बना दिया जाता है और जनरल गुडमैन को डिमोशन करके उसे सार्जेंट बना दिया जाता है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है।